अब ढंगना शुरू हो गई कसम से, अब ढंगना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। भाई मुझे पता है तुम लोगों का बड़ा दिल कर रहा होगा कि मारो पीटो, लेकिन व्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था, यकीन करो। मतलब मेरे बाल वाल देखो फुल टाइम बड़े हुए हैं, तो व्लॉग भी नहीं आ रहा था, मसरूफ चल रहा था कुछ। तो अभी चलते हैं कटिंग करवाने, सही है। और आज एक काम और करना है भाई मुझे, क्या काम पता है? कोरियन चैलेंज स्पाइसी नूडल्स जो है उसका। तो पहले चलते हैं कटिंग करवाने, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो भाई, बाल कटवाना ना मैंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि व्लॉग भी खड़ नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल मसरूफियातें थी यार, यकीन मानो। निकलते हैं अभी तो कटिंग करवाने, फिर मिलते हैं। तो आज यार मैंने बड़े टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट मारा, मैंने कहा आज तो करना बनता है, क्योंकि तकरीबन कुछ 2 महीने तो हो गए यूट्यूब चैनल पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, ये सिस्टम है। हाँ भाई, तो बाल वाल तो बेहतरीन हो गए, कट गए। कोरियन नूडल्स उठाने हैं बस, अब वो अगर मिल गए तो लाजमी उठाने, उसके बाद जो है फिर घर की तरफ निकलना है, बस ये मामला है। बाल तो यार आपके भाई ने बेहतरीन कटवाए होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी शॉप में पहुँचने, फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई दुकान में आ गए अभी ना, तो ढूंढते हैं कि कहाँ पर हैगा ये तो नूडल्स, तो ये आ गए फाइनली, मिल गए ये। इसका ये कब मिल गया है, वैसे तो इसमें बड़ा भी आता है पर छोटा वाला ही मिला है अभी हमें, तो छोटे वाले से ही काम चलाएंगे। तो भाई ये भी कम नहीं है, मिर्चे तो दोनों में ही बराबर है ना, तो देखते हैं। नूडल्स उठा लिए, बाल कट गए, सब हो गया, यूट्यूब में बड़े दिन बाद एक्टिव भी हुए, तो अब देखते हैं, खैर कोई कंटेंट हुआ तो इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, नहीं तो खैर अल्लाह मालिक है। हाँ भाई, तो फाइनली अब घर पर हम लोग आ गए, बस अब नहाएंगे। दिल नहीं कर रहा वैसे यार, ये हेयर स्टाइल मैं ख़त्म करूँ, बड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन नहाना तो है। और बाकी लेकिन पहले खाना वाना खा लें, आराम से सुकून कर लें, ऐश कर लें, और फिर कोरियन चैलेंज भी करना है, लेकिन अभी तो खाना खाना है, तो चैलेंज कब करूँगा देखते हैं, अगर आज हो सका तो आज, नहीं तो फिर देखते हैं क्या सीन है। सोचा नहीं कुछ, क्योंकि खाना भी तो खाना है, पेट भाई फुल हुआ हुआ है ऑलरेडी, शाम में अंडा पराठा खाया और अब खाना, अब ये पेट फट जाएगा, क्या करूँ मैं। हाँ जी, तो फाइनली अब टाइम आ चुका है कोरियन नूडल्स का चैलेंज करने का। दरअसल खाना वाना जो है वो मैंने खा लिया था, सही है, हालांकि अभी अभी चाय पी के बैठा हूँ, फुल हूँ, लेकिन भाई आप लोगों के लिए ये भी तो करना है ना, तो इसको करना है तो बस करना है। तो अब ऐसा है कि इसको कंप्लीट करते हैं और अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या होने वाला है, धुएं मुँह से निकलते हैं, क्या होता है क्या नहीं, तो फिर देखते जाओ। तो भाई ये आप देख लें मसाला, ये मसाला है और ये पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सही है, ताकि आप लोगों को ये लगे नहा लगे कि मैंने कोई आधा डाला है या मैंने कोई पंचायत की है, तो ये मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है, पूरा सामने फुल, और ये टाइट किस्म का रेड हो चुका है, ये मैंने पूरा डाल दिया है, और ये हमारे नूडल्स आ गए। सॉस जो है, सॉस को हम पानी में पका रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, सिस्टम ऐसा है। तो अब आप लोग देखते जाएँ, खैर ये देख रहे हो, ओए होए आज मेरी वार लगने वाली है, तो खैर देखते हैं भाई क्या सीन होता है, तो मज़ा तो आएगा वैसे, बड़ा टाइट आएगा, मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं, ये देखो भाई अभी से पसीने छूट रहे हैं। तो यार ये नूडल तैयार हो गए, इसमें मैंने मसाला वगैरह ये सारे डाल दिए, सही है ना, और अब इसको कर दिया है बंद। फाइनली भाई नूडल्स हो गए, तो ये हमने अभी इसको थोड़ा सा रखा भाई, मतलब स्टीम में भाप से थोड़ा सा ये गल जाए ना यार, ये सिस्टम है, लाइटों वाइटों का सिस्टम लगा लें, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है ना यार, तो तुम लोगों को तो दिखाना ही है, तो ज़रा एक मिनट रुक जाओ बस। A few moments later. तो भाई हमने अपने स्टूडियो का पूरा सेटअप वगैरह यहाँ पे लगा दिया है और चेयर भी आ गई है, अब बैठते हैं नूडल्स का चैलेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। यार एक बात मेरी सुन लो, मैं पहले बता दूँ, मुझे कोई फजूल कमेंट ना आए कि एक्टिंग कर रहा है ये, इसको कोई मिर्चें नहीं लग रही, ओवर रिएक्ट कर रहा है, अल्लाह की कसम जो होगा ऑनेस्ट वो बताऊँगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, आ जाओ। ओके सो गाइस, सारा सेटअप जो है वो हमारा फाइनली लग चुका है, तो अब उठाते हैं नूडल्स की तरफ हम आते हैं, सही है, ये देखो गर्मा गर्म भाप निकलते हुए नूडल्स हैं ये आप लोगों के सामने, तो इसको हम पहले करेंगे मिक्स थोड़ा ना, क्योंकि इसमें हमने सॉस वगैरह और चिली वगैरह भी डाली हुई है, जो उनके जो मसाले वगैरह होते हैं उन लोगों के,
ये नूडल्स हो गए तैयार गर्मा गर्म, और ये फुल टाइम रेड हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, खतरनाक वाले। और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं ऑनेस्ट वो शेयर करूंगा, तो आप देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाह करके अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी को इतना खास पता नहीं चल रहा। कुछ हो रही है, गड़बड़ होना शुरू हो रही है हल्की हल्की, तो मैं बताता रहूंगा। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था वोट जलना ही, तो मैं तो खैर फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ आप लोगों के सामने, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, इससे पहले मैंने खाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम है। और मतलब ब्लॉग मेरा यहाँ बन रहा है, और मुझे अपने ही लोग कुछ घर से भी देख रहे हैं, तो उनको मैं यहीं से हाय कह रहा हूँ। अब ये ना लिख देना 50 रुपए काटो हुआ रेटिंग के, कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, अभी ऑनेस्टली मजाक कर रहा हूँ, अब इतना खास कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल लग रहा है। और देख रहे हो गए थोड़े से लार्मा शुरू हो गए, अब लगना शुरू हो गई यार, कसम से अब लगना शुरू हो गई। लेकिन आप लोगों के सामने मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ उसको, क्योंकि ठंडा करने के बाद तो मिर्च का जायका ही नहीं पता चलेगा, तो गरम गरम खाना और धुआं निकलना है। स्पाइस मैंने फुल डाली है, यहां से मुझे आवाजें आ रही हैं, व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाया है, ब्लॉग में आप लोग खुद देखना मैंने पूरा सॉस डाला है, आप लोग भी कैंडी देख सकते हैं पूरा सॉस डाला है निचोड़ के, और ये पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सही है, ताकि आप लोगों को ये लगे ना लगे कि मैंने कोई आधा डाला है या मैंने कोई पंचायत की है, तो ये मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है, पूरा सामने फुल, और ये टाइट किस्म का रेड हो चुका है। असल बात ये इसका पानी भी पीना है, शर्त ये है, ये नहीं कि नूडल खा लिए, क्योंकि पानी में ही असल मिर्च है। ऑनेस्टली बताऊं मुझे इतनी ज्यादा नहीं लग रही, आप लोगों को चेहरे से पता चल रहा होगा, मुझे हमेशा की तरह रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि शायद मैं स्पाइसी खा लेता हूँ, ये रीजन है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नहीं लगी। हाँ बोर्ड जो है वो बंद हो रहे हैं, हाँ जो लोग स्पाइसी नहीं खाते वो ट्राई मत करिएगा आप अपने घर के अंदर, जो स्पाइसी नहीं खाते खासतौर पर रात पहाड़ में तो बिल्कुल भी नहीं, उनको सोने में थोड़ी इशू होगा, तो जो लोग स्पाइसी वगैरह पसंद नहीं करते वो बिल्कुल ट्राई ना करें, और जो स्पाइसी खा सकते हैं जिनको अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि या आई कैन डू देन शुड बी ट्राई। नूडल्स तो मेरे तकरीबन खत्म हो गए, सिर्फ पानी बचाए, तो हम लास्ट ये पी लें उसके बाद एंड है। ये देख सकते हैं आप लोग, नूडल्स तो तकरीबन एंड है, ये देखो नूडल्स खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, सही है, ये सिर्फ जो बचा है ना सिर्फ अपना पानी बचा है, तो मैं वो भी पीऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि असल मजा तो पानी में होता है, नूडल्स तो कोई भी खा सकता है, तो मैं पानी भी पी के दिखा रहा हूँ, जो इसका सूप है वो भी मैं पी रहा हूँ। अपने साथ इवन पानी भी नहीं रखा हुआ है, और ना ही मैंने एक दफा भी कोई पानी पिया, तो आप लोगों के जो भी आप लोगों के सामने है, तो अब आप लोग देख सकते हैं होठ, अगर आप लोगों को थोड़े से नजर आ रहे हो ये थोड़े रेड हुए में, पर ऑनेस्टली मुझे मिर्च नहीं लगी, ऑनेस्टली क्योंकि मैं रिएक्ट ही अलग करता अगर मुझे मिर्च लगती, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ मुझे नहीं लगी, और ये आप लोग देखें बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया, तो जो है आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया,
और स्पाइसी ही नूडल्स था भाई, ये भी देख लो। हर एक चीज मैं दिखाऊंगा इस पे ताकि आप लोगों को प्रॉपर यकीन हो, ठीक है। ऑनेस्टली अल्लाह की कसम, मैंने कोई पानी नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग समझोगे इसने सीन कट करके पानी पी लिया। आई प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैंने कोई पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, नॉर्मल हुआ, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं लगी। लेकिन जो लोग मिर्चे नहीं खाते वो इस चीज़ को ट्राई ना करें। और ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी जुबान पे इतनी मिर्चे नहीं लगी, बस ये है कि जो लिप्स होते हैं ना वो थोड़े से बर्न हो रहे हैं, वो थोड़े से जल रहे हैं, लिप्स थोड़े से जल रहे हैं। और ये खाने के बाद ना ये जो है ना, ये आपके मतलब स्टमक की जगह, मैदे की जगह, ये थोड़ी सी जलती है, मतलब खोलन महसूस होती है यहाँ पे ना। इस नूडल्स को अपनी हैबिट मत बनाइएगा कि आप एवरी डे एवरी नाइट खा रहे हैं इस नूडल्स को, अपनी हैबिट बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि स्पाइसी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। पर मुझे नहीं लगा, खैर मैं अपने हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो स्पाइसी नहीं खाता होगा तो उसके लिहाज से ये काफ़ी स्पाइसी है, जिसको एवरी डे की रूटीन नहीं बनाएं, क्योंकि ये अगर आप एवरी डे खाएंगे नाश्ते में या रात के टाइम जैसे लोग खा लेते हैं, तो आपका जो स्टमक है, मैदा है, वो ख़राब हो जाएगा, छाले हो जाएंगे। तो बस ये चैलेंज के लिए होता है, तो उसको कभी कभार ही ट्राई करें, बेटर रहेगा। तो बाकी मैं बिल्कुल ओके हूँ, रिलैक्स हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो आज हम इस व्लॉग को पर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, अपनी खास दुआओं के साथ मुझे याद रखें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आई एम सो सॉरी अगेन, मैं अगेन अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने इतने दिन से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाली। तो इंशाल्लाह ताला आप जो भी कॉन्टेंट मुझे मिलता रहेगा ना, मैं डालता रहूँगा, क्योंकि कुछ इंसान की जो लाइफ होती है ना, उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, तो सोशल मीडिया इतना नहीं देख पाता। तो ऐसे ही कुछ सीन है, मैं अपनी सोशल मीडिया में काफ़ी कम एक्टिव था कुछ दिनों से। तो एनीवे, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना यार।